शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिंस की निशानी है सौम्या, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने गले में पहन लो। निशानी है और मैंने तुझे इसलिए दी थी क्योंकि मैं तुझे अपना बेटा मानती थी। लेकिन सौम्या, तू मेरा बेटा कहलाने के लायक है ही नहीं। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तू तो एक खूनी है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू देखना, तुझे पाप लगेगा सौम्य, मेरी परी को सुन सौम्य। तुम मेरे बहन के गुनेगार हो। अरे 40 दिन, 40 दिन वो पल पल भरी होगी। तुमने मेरी बहन को जितनी तकलीफें दी हैं, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। अरे तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को, पूरे परिवार की जिंदगी में हराम कर दूंगा, पूरे परिवार की जिंदगी में हराम कर दूंगा, हराम कर दूंगा। भैया शाना, तुम तो अपनी भाई की बात सुनो। तुम जैसे भाई के बहन हो, मुझे तो शर्म आती है कि आप मेरे भाई हैं। ये हाथ है ना, जिसको मैंने सालों तक राखी बांधी, आज ये हाथ खून से रंगे हुए हैं।
बड़े गुनेगार हैं और सबसे बड़े गुनेगार तो आप परी भाभी के हैं और सबसे बड़े गुनेगार तो आप परी भाभी के हैं। आदित्य आदित्य ठीक ही कहता है, आपको तो तिल तिल मरने की मौत आनी चाहिए, यही सजा मिलनी चाहिए आपको। ठीक कह रही हो तुम शायद, लेकिन कोई मेरी अब क्या कहना बाकी है, अब इतने झूठे हैं। आपने मेरी बहन के साथ जो किया उसके लिए भगवान आपको ऐसी सजा देंगे कि आप याद रखेंगे, नर की आग में जलेंगे आप। You suffer in hell. नर की आग में जलेंगे आप। अरे स्वार्थ की भी कोई हद होती है और आपने आपने तो इंसानियत की हद भी पार कर दी। आपको मैं तो क्या, कोई भी माफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं। जिनको रिश्ते निभाने नहीं आते उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता भैया, कोई रिश्ता नहीं रखता। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कैसे दिन देखने को मिलेंगे जब मेरे अपने अपनों से इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं नहीं जानता किसका दोष है, ये इन बच्चों ने कसूर किया है, इनको जो मर्जी सजा दो लेकिन सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं। शायद मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं गुनाहगार हूँ परी का, मैं आपकी बच्ची को अच्छी तरह देख नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। नहीं दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे, इस बाप का कोई कसूर नहीं, मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए गए वो सही है। मैं इतना स्वार्थी हो गया था कि मैंने परी की जान की परवाह नहीं की। परी के साथ शादी की यह सोचकर कि वो 40 दिन में मेरी जिंदगी से तो क्या, इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन अब मेरी सोच वो नहीं रही, अब मैं वो सौम्य नहीं रहा। आपकी परी ने मुझे बदल दिया, परी का साथ मिला, उसे जानने का समझने का मौका मिला।
परी ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। परी ने मुझे सिखाया भगवान पर विश्वास क्या होता है। परी ने मुझे समझाया कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। मैं अब सौम्य नहीं रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मैं अब सौम्य नहीं रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। कितना झूठ बोलेगा? आर्यन बस कर। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बच्ची? देखिए, ऑपरेशन हो गया है, थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे स्थिति तो बहुत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर जोशी ने काफी मेहनत से इस केस को हैंडल किया है। वैसे जब तक वो होश में ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए, प्रे कीजिए। Thank you.
मर गए तेरे दादाजी। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं जानता तुझे। इतना बड़ा दुख, अब तो दुनिया से क्या, खुद पर से विश्वास उठ गया है मेरा। दादाजी प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं भगवान जी के सामने आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूं मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, पर परी गलत नहीं थी दादाजी। परी ने मुझे बदल दिया था। मैं 40 दिन के इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंधा जरूर था, पर अब वो रिश्ता जन्मों जन्मों क्या हो गया दादाजी। मैं राम जी की कसम खा के कहता कि मैं परी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, उसे बहुत चाहता हूं दादाजी। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैसे विश्वास कर लूं तेरी इन बातों का। जो इंसान पवित्र फेरों की अग्नि के सामने लिए हुए वादों को छुटला सकता है, उसके लिए राम जी की कसम खाना, उसके लिए राम जी की कसम खाना तो एक मामूली सी बात है। दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ दादाजी। तू छोड़ दे मुझे, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादाजी। मर गया तेरा दादा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादाजी। छोड़, मैं छोड़ दे मुझे दादाजी, क्या ना तेरा दादा। मेरी बात माने चाहे नहीं माने, आप तो जानते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहे दे दीजिए, जो सजा देना चाहे आप मुझे दे दीजिए, लेकिन परी को कुछ नहीं होना चाहिए राम जी। नहीं परी, कुछ नहीं होना चाहिए राम जी। मेरी जान ले लीजिए राम जी, पर मेरी परी को बचा लीजिए प्लीज, प्लीज राम जी। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
हो सके तो तुम मुझे माफ कर दें। आपका ये गुनाहगार आपके सामने हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा है। मेरे परिवार के लोगों ने जो कसूर किया आप उन्हें जो चाहे सजा दें, लेकिन आपका सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं। मैं हूं आपका कसूरवार जो मैंने परी को सौम्य के साथ 40वें दिन जाने से रोका नहीं। अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर दें। साथ देना होगा। मैं सबको इस तरह देखकर हर पल मर रहा हूं। सबके दुख का आंसुओं का मैं ही कारण। आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरा साथ देना होगा।